What is an engine kill switch? इंजन किल स्विच क्या होता है और वो कैसे ऑपरेट करता है, क्या फंक्शन होता है इंजन किल स्विच का और क्या ज़रूरत पेश आती है कि मोटरसाइकिल के अंदर जो है इंजन किल स्विच को इंस्टॉल किया जाता है। हालांकि आपके पास इग्निशन की है, अगर आपने इंजन को बंद करना है तो आप सिंपली इग्निशन की को टर्न कर सकते हैं और आपका इंजन बंद हो जाएगा। देन वाई देर इज़ अ नीड टू इंस्टॉल द इंजन किल स्विच इन मोटरसाइकिल्स, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं करने लगा इस वीडियो के अंदर। सो ये वीडियो एंड तक देखते रहिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जानते होंगे और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगी, तो आज आप वो चीज़ें भी जान जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। सो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीनस गैराज। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं इस लाल कलर के बटन की, जो कि आपके मोटरसाइकिल की राइट साइड की असेंबली के ऊपर लगा होता है, राइट नेक्स्ट टू दी थ्रॉटल। और ये जो रेड कलर का बटन होता है इसको हम कहते हैं इंजन किल स्विच। इंजन किल स्विच और इंजन कट ऑफ स्विच और इंजन शट डाउन स्विच। सो गाइस, किल स्विच क्या होता है और वो कैसे काम करता है ये मैं आपको इस वीडियो के आगे चल के बताऊँगा। अभी हम बात करते हैं कि किल स्विच क्यों इंस्टॉल किया जाता है बाइक्स के अंदर, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। लेट्स सपोज के आप जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में बाइक चला रहे हैं, 100, 110 और 120 की स्पीड पे आप जा रहे हैं और अचानक से क्या होता है कि आपने फुल थ्रॉटल दी हुई है और अचानक से ये होता है कि आपकी जो थ्रॉटल केबल है वो जैम हो जाती है, वो स्टक हो जाती है और अब आपने बाइक रोकनी है। अगर आप उसको हाथ से भी पीछे करते हैं तो केबल आपकी कहीं दरमियान में से टूट गई और स्टक हो चुकी है और अब वो आपकी जो थ्रॉटल है वो वापस नहीं जा रही। इन दैट केस आप पैनिक हो जाते हैं, आपका इंजन फुल आरपीएम पे रन कर रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हैं। इन दैट केस अगर आप अपना हैंड लिफ्ट करते हैं अपनी ग्रिप से और इग्निशन की को ऑफ करने के लिए अपना हैंड इस तरफ लेके आते हैं तो क्या हो सकता है कि आपकी जो कि स्पीड बहुत ज़्यादा है और आप ऑलरेडी पैनिक किए हुए हो तो आपकी बाइक जो है वो अनबैलेंस हो सकती है और आप क्रैश कर सकते हैं और आपको कोई हादसा पेश आ सकता है। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, इस इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मोटरसाइकिल के अंदर किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है। बेसिकली फर्स्ट ये रेसिंग बाइक्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया था कि अगर आप रेस कर रहे हैं और आपके साथ ऐसी सिचुएशन पेश आती है कि आप की जो थ्रॉटल केबल है वो स्टक हो जाती है या ऐसा कुछ सीन बन जाता है तो आप इमरजेंसी में अपने इंजन को कैसे ऑफ करेंगे। सिंपली आपको अपना हैंड लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपने थंब के ज़रिए इस बटन को ऑफ़ कर देंगे तो आपका इंजन फ़ौरन बंद हो जाएगा। सो इस इमरजेंसी सिचुएशन को सामने रखते हुए इंजन किल स्विच को रेसिंग बाइक्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर लेटर जो है बाकी बाइक्स के अंदर भी इंजन किल स्विच आना शुरू हो गया। अमेरिका के अंदर अगर आप बात करो तो हर कंट्री के अंदर कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट होता है। पाकिस्तान में भी जब बाइक्स बनती हैं, गाड़ियां बनती हैं तो उनका एक स्टैंडर्ड होता है। इसी तरह अमेरिका के अंदर बाइक्स बनाने का जो स्टैंडर्ड है उसमें ये चीज़ मैंडेटरी है कि आप कोई भी बाइक बना रहे हैं तो उसके अंदर आप किल स्विच के ऑप्शन देना लाजमी है। इवन अगर आप 100cc बाइक बना रहे हैं या इवन 50cc की आप एक स्कूटी बना रहे हैं तो उसके अंदर भी किल स्विच की ऑप्शन लाजमी होगी अगर वो अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड बाइक है तो। यहाँ पे एक क्वेश्चन और रेज होता है कि क्या किल स्विच का यूज़ करना इंजन के लिए हार्मफुल है। अगर आप कहीं भी रुक रहे हैं तो आप इंजन को किल कर देते हैं बटन ऑफ करके किल स्विच से, तो क्या ऐसा करने से आपके इंजन को कोई नुकसान पहुँचता है? तो जनाब, ऐसा करने से इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। आप आगे चल के वीडियो में देखेंगे कि किल स्विच करता क्या है, फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी खुद बखुद हो जाएगा कि ये इंजन के लिए किसी तरह से भी हार्मफुल नहीं है। आपकी बैटरी लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकता है। इन दैट केस के लेट से आप अपने दोस्त से मिलने के लिए गए हो, ठीक है, आपको रास्ते में चलते हुए कहीं आपको आपका कोई दोस्त मिल गया तो आप वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और आप क्या करते हैं कि आप यहाँ से इंजन को कट ऑफ कर देते हैं। इंजन आपका बंद हो गया लेकिन आपके जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल्स आपकी बाइक की रनिंग है। अगर आपने इंडिकेटर ऑन किया हो तो वो ऑन है, पार्किंग बल्ब ऑन है,
हेडलाइट ऑन है तो वो ऑन है, तो इस तरह आपकी जो है कि बैटरी ड्रेन हो रही होती है, आपकी बैटरी लाइफ इसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है। लेकिन उस सिचुएशन में भी यही है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप किल स्विच को यूज़ कर रहे हैं, इंजन को आपने स्टॉप कर दिया है, तो बेहतर है कि आप इग्निशन को भी बंद कर दें। एक और जो यूज़ है इंजन किल स्विच का वो ये है कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं और आप इतने लेज़ी हैं कि आप नहीं चाहते कि आप अपने हाथ को यहाँ से लिफ्ट करें और इग्निशन को बंद करके आप इंजन को बंद कर दें, गर्मियों के दिन है तो थोड़ा सा इंजन को भी सांस लेने का मौका मिल जाएगा, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा, इस तरह आपकी फ्यूल की भी बचत हो सकती है। तो किल स्विच बेस्ट है, आप फौरन से जो है यहीं पे आप जैसे ही सिग्नल बंद हो, सिग्नल रेड हो, आप फौरन से जो है इंजन को आप बंद कर सकते हैं। सो गाइस, सेफ्टी पर्सपेक्टिव से जो है इंजन किल स्विच का बाइक के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपकी बाइक के अंदर इंजन किल स्विच नहीं है तो आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि कभी भी आपके साथ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन पेश आ सकती है कि आपकी जो है थ्रॉटल केबल स्टक हो जाए और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो इंजन को किल करने की, तो उस सिचुएशन में आपके मोटरसाइकिल में अगर इंजन किल स्विच है तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो है इंजन किल स्विच आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लाइक अगर आप क्रैश करते हैं, आपका एक्सीडेंट होता है, आप गिर जाते हैं, तो आप फौरन से इंजन किल स्विच को के ज़रिए बाइक को बंद कर सकते हैं ताकि किसी तरह का कोई इंजन को डैमेज ना आए। सो गाइस, अभी मैं आपको थोड़ी सी जो है किल स्विच की वायरिंग के बारे में समझा देता हूँ। बहुत इजी है इसको इंस्टॉल करना और बहुत ज़रूरी चीज़ है हर बाइक पे, ये मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम आपकी जो थ्रॉटल केबल है वो जैम हो सकती है, स्नैपी हो सकती है, और आपका जो है फिर चलती हुई बाइक पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप क्रैश भी कर सकते हैं, कोई हादसा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए किल स्विच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप किसी भी इमरजेंसी में फ़ौरन जो है यहाँ से आप किल स्विच को ऑफ़ कर दें और आपका इंजन स्टॉप हो जाए। तो अभी थोड़ी सी मैं आपको किल स्विच की वायरिंग के बारे में बता देता हूँ। तो इसकी वायरिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैं अपना टूर देता हूँ अपने CNS गैरेज का, क्योंकि एक बंदे ने पूछा था, आई फॉरगॉट द नेम, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया और कहा कि भाई आप जो काम कर रहे होते हो थोड़ा सा वो जगह भी दिखा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये है जनाब मेरा गैरेज जहाँ पे मैं अपनी मोटरसाइकिल का काम करता हूँ, डू इट योरसेल्फ वीडियोस भी यहीं पे बनाता हूँ। ये है एक गमले के अंदर अमरूद का पौधा लगा हुआ है, ये लोकार्ट लगा हुआ है एक गमले के अंदर, ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, इसको पानी भी लगाना है। ये थोड़े से पुराने गमले पड़े हुए हैं, मिट्टी पड़ी है और एक पुरानी ड्यू की बॉटल पड़ी हुई है। इस तरफ आओ तो ये कुछ टायर्स पड़े हुए हैं जो कि असल में मेरा गैराज है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये सफाई वाले कपड़े, पानी का पाइप पड़ा हुआ है और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं बाइक की पुरानी, मतलब पैड्स जो उतारता हूँ या ब्रेक लैदर्स उतारता हूँ, मैं सारे इधर ही डाल देता हूँ, कभी भी किसी भी टाइम जो है उनमें से कुछ ज़रूरत पड़ सकता है। तो एक किस्म का ये कबाड़खाना बना हुआ है। ये मेरे टूल्स पड़े हुए हैं जो अभी मैंने यूज़ करने हैं, मैंने सारे टूल्स यहाँ पे नहीं रखे हुए, सारे टूल्स मेरे ऊपर अपने रूम में कबर्ड में पड़े हुए हैं। और ये हमारी जो काम वाली है, जो मेड है, बहुत ही वो जो काम चोर है, ये देखो सारा गंद यहाँ से सफाई करके इधर उसने इकट्ठा कर दिया, उसको इतनी जहमत नहीं कि यहाँ से उठा के वो कचरे में डस्टबिन में डाले। तो ये है छोटा सा मेरा CNS गैरेज। तो दैट वाज जस्ट फॉर फन, लेट्स बैक टू द वर्क। तो मैं आपको बता रहा था कि किल स्विच की किस तरह से अपने वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, आपको अंदर से इसका मैकेनिज़्म दिखाता हूँ। अच्छा, बिफोर आई ओपन दिस, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपकी राइट साइड की असेंबली होती है जिसमें आपके पास सेल्फ का बटन होता है, पुश टू स्टार्ट बटन होता है आपके पास, आपके पास ये हेडलाइट, पार्किंग बल्ब, इसका ऑन ऑफ का स्विच होता है, और ये आपके पास किल स्विच। जो जेन्युइन आपके पास बाइक की होती है उसके अंदर आपके पास किल स्विच नहीं होता, बाकी सारा सेम होता है। तो अब इसके दो पीसेज होते हैं, ये आपका ऊपर वाला पीस है, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा गौर से देखें यहाँ से, तो ये आपका ऊपर वाला पीस है और ये नीचे वाला पीस आपका अलग है। अब मैंने आफ्टर मार्केट ये जो है किल स्विच असेंबली परचेज़ की थी, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जिसका नीचे वाला हिस्सा है ये मैंने जेन्युइन लगाया हुआ है, और ऊपर वाला सिर्फ मैंने चेंज किया है, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में सिर्फ आपके पास किल स्विच है और उसी की दो तारे हैं जो कि हमने आगे लेके जानी है। तो बाकी जितना भी सिस्टम है, लाइक ये जो बटन है, तो ये नीचे वाले हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने बेहतर यही समझा, क्योंकि जो मैंने आफ्टर मार्केट असेंबली परचेज़ की थी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा कि बजाय मैं इस सारे को चेंज करूँ
और दूसरा ये कि इसकी वायरिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती अगर मैं पूरी असेंबली चेंज करता, तो इसीलिए क्योंकि जो स्टॉक आपके पास असेंबली है उसके अंदर तारें कम हैं, डेफिनेटली किल स्विच की वायर उसके अंदर नहीं है, तो अब जो आप आफ्टर मार्केट पर परचेज़ करते हैं उसके अंदर दो तारें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो अंदर से कुछ ग्राउंड हुई होती हैं, तो मतलब व्हाटएवर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा इजी काम ये किया कि मैंने सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जो इसका कैप थी, ऊपर वाला जो हिस्सा था मैंने वो चेंज किया, उसके अंदर सिर्फ दो तारें थी मेरी किल स्विच की। अब इसको ओपन करने के लिए जो है, इसकी वायरिंग दिखाने के लिए मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, और इसको ओपन करने के लिए आई नीड द प्लस स्क्रू ड्राइवर, उसके ज़रिए इसके दो स्क्रूज लगे हुए हैं नीचे की तरफ से, वो मैं ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो असेंबली को मैंने ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा था, मैंने आपको बताया कि ये मैंने आफ्टर मार्केट जो असेंबली परचेज़ की थी उस वाला यूज़ किया, और जो नीचे वाला था मैंने उसको जेन्युइन ही रहने दिया क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी। तो अभी क्या हुआ कि सिर्फ किल स्विच की दो तारें हैं, एक रेड कलर की और एक ऑरेंज कलर की, तो ये जो तारें थी मैंने इस असेंबली में से गुजार के इनको मेन वायर के अंदर, जो कवर था ये वाला, इसके अंदर गुजार के मैंने हेडलाइट की तरफ इनको भेज दिया है। तो अब आगे मैंने क्या किया, क्योंकि इनकी जो लेंथ थी जो किल स्विच के साथ लगी हुई थी असेंबली के अंदर, तो उनकी लेंथ इतनी थी कि मुश्किल से वो हेडलाइट तक पहुँची हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक अच्छी क्वालिटी की जो है तार ली है, और मैंने उसको इसके आगे जॉइंट करके इसको एक्सटेंड कर लिया, क्योंकि जो किल स्विच का कनेक्शन हम करते हैं वो हम टैंक के नीचे जो इग्निशन कॉइल है उसके साथ करते हैं। ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से हेडलाइट के अंदर तार गई थी, हेडलाइट मैं ओपन नहीं कर रहा क्योंकि उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ वहाँ से उस तार को मैं अंदर लेके गया हेडलाइट के अंदर, वहाँ से फिर ये तार आपकी आ रही है, ये वाली, ये हेडलाइट से बाहर मैं ले आया जो कि टैंक के नीचे जा रही है, और आगे हम इसका कनेक्शन करेंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, और वही है कि जो आप तार लेंगे इसको एक्सटेंड करने के लिए, तो वो अच्छी क्वालिटी की तार होनी चाहिए। अगर वो लो क्वालिटी की तार होगी, तो क्योंकि हम इसको इग्निशन कॉइल के साथ इसका कनेक्शन करने लगे हैं, तो जब आप बाइक स्टार्ट करेंगे तो मे बी आपकी बाइक स्टार्टिंग में इशू करे, या बाइक की पिक का थोड़ा मसला आ जाए, या अगर वो लो क्वालिटी की है तो गर्म होकर वो तार आपकी जल जाएगी, तो आपका जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप अच्छी क्वालिटी की वायर यूज़ करें। इसको मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया और मैंने इसको एक्सटेंड करके मैं इसको टैंक के नीचे ले गया हूँ। अभी जो है मुझे टैंक को रिमूव करना पड़ेगा, और टैंक को रिमूव करने के लिए पहले मुझे जो है दोनों साइड कवर्स उतारने हैं, ये वाला और दूसरी साइड वाला, फिर मुझे सीट उतारनी है, एंड देन मुझे जो है इस टैंक को रिमूव करना है, और फिर मैं आपको नीचे की कहानी दिखाता हूँ कि यहाँ अंदर मैं इसको कैसे, मैंने किल स्विच का कनेक्शन कहाँ पर किया हुआ है। अच्छा, तो टैंक को ओपन करने के लिए, साइड कवर्स को ओपन करने के लिए और सीट को ओपन करने के लिए आपको दो तरह के पाने चाहिए होंगे स्पैनर्स, एक आपको 12 mm और एक आपको 10 mm का स्पैनर चाहिए होगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ किल स्विच लगाने का तरीका बता रहा हूँ, दिस इज़ फॉर यामा YBR125G। अगर आपके पास होंडा या सुजुकी या किसी और मैन्युफैक्चरर की बाइक है, तो उसमें मे बी आपका टैंक कैसे रिमूव करना है, सीट कैसे रिमूव करनी है, या साइड कवर्स कैसे रिमूव करते हैं, तो उनका जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो जनरल कॉन्सेप्ट है किल स्विच का कि वो कैसे काम करता है और किस तरह उसकी वायरिंग होती है, वो हर बाइक में ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आप अपने बाइक के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो अभी मैंने सीट भी रिमूव कर ली है, साइड कवर्स भी, और मैंने टैंक भी रिमूव कर ली है। सो गाइस, ये है वो वायर जो मेरी किल स्विच के साथ लिंक्ड है, उसके साथ ये कनेक्टेड है, जॉइंट की हुई है मैंने, ये यहाँ से आ रही है और ये यहाँ पे, ये वायर यहाँ पे आई है, यहाँ पे मैंने इसको जॉइन किया है। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी इग्निशन कॉइल है, ये मैं आपको उस तरफ से भी दिखाऊँगा, पहले आप यहाँ से देख लें। अब यहाँ पर ये जो है
اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے. اب یہ جو اگنیشن کوائل کے اندر وائر آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے اس کو فگر آؤٹ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھتے جائیں یہ اس مین وائرنگ کے اندر آئی ہے, مین وائرنگ سے اندر ہوتے 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 یہ یہاں پہ آ گئی ہے, یہاں سے یہ اندر گئی اور ہوتے ہوتے یہ یہاں پہ آ گئی, یہاں سے ہوتے ہوتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جاتے 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 اب کی یہ یہاں پہ آ گئی ہے. اچھا اب یہ کیا ہے, میں آپ کو جو پہلے بتا رہا تھا یہ آپ کا سارا سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سی ڈی آئی. تو یہ آپ کا سی ڈی آئی یونٹ ہے, کیپیسٹر, ڈسچارج, اگنیشن, یہ آپ کا مین بائک کا سارا سسٹم ہے جو کہ آپ کی اگنیشن کو رن کرتا ہے, سارے اس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ اس کو یہاں سے ریموو کر دیں تو آپ کی بائک نہ تو کک سے سٹارٹ ہوگی نہ وہ سیلف لے گی, کچھ بھی آپ کر لیں آپ کی بائک جو ہے کسی طرح سے بھی سٹارٹ نہیں ہوگی جب تک کہ آپ پہ یہ جو سی ڈی آئی یونٹ ڈسکنیکٹ ہوگا. بیٹری سے جو ہے پاور آ رہی ہے ساری اس کے اندر, سی ڈی آئی کے اندر. سی ڈی آئی کیا کرتا ہے, وہ 12 وولٹیج کو کنورٹ کرتا ہے بہت زیادہ ہائی وولٹیج کے اندر, اور پھر وہ والے وولٹیج وہ ٹرانسفر کرتا ہے اس وائر کے تھرو اگنیشن کوائل کے اندر. اگنیشن کوائل سے یہ والے جو وولٹیج ہیں وہ آپ کے ٹرانسفر ہوتے ہیں اسپارک پلگ کی جانب. میں آپ کو دوسری طرف سے دکھاتا ہوں, یہ آپ کی سی ڈی آئی, سی ڈی آئی سے کرنٹ آیا آپ کے پاس ہائی وولٹیج یہاں پہ اگنیشن کوائل کے اندر. اگنیشن کوائل کے ساتھ یہ آپ کا سیدھا اسپارک پلگ کے اندر آیا, یہاں پہ اسپارک کریٹ ہوا اور اس سے آپ کا انجن جو ہے وہ کرینک ہو گیا, آپ کا انجن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا. کل سوئچ کا کام کیا ہے, جب ہم کل سوئچ کو آف کرتے ہیں تو کل سوئچ جو ہے جو ہماری سی ڈی آئی یونٹ سے پاور آ رہی ہے اگنیشن کوائل کی طرف, کل سوئچ اس پاور کو کٹ آف کر دیتا ہے, اس طرح جو ہمارا انجن ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ ساری وائرنگ ہے اس کی, اٹس سو سمپل, بہت ایزی ہے, آپ اس کو جو ہے جوائنٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں, یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ والی ہماری کل سوئچ کی وائر آ رہی ہے اور یہاں پہ میں نے ان دونوں کے درمیان یہاں سے ان کو کاٹ کے تو بیچ میں کل سوئچ کو میں نے لگا دی ہے. اب میں جیسے ہی کل سوئچ کو آف کرتا ہوں تو میری جو سی ڈی آئی یونٹ سے پاور آ رہی ہے, ہائی وولٹیج آ رہے ہیں اگنیشن کوائل کی طرف, وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, کٹ آف ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہمارا انجن بند ہو جاتا ہے. کل سوئچ بند ہو تو ہمارا انجن جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں ہوتا. سو گائز, آئی ہوپ کہ میں نے انجن کل سوئچ کے بارے میں سارے کوشچنس کے جو ہے آنسر کر دیے ہیں. اگر اسٹل آئی ایم مسنگ سم تھنگ تو یو گائز کین آسک می ان دا کامنٹ سیکشن بلو, اینڈ یو آر آلویز ویلکم ٹو ریز دا کوشچنس. آپ کوشچن کر سکتے ہیں, آئی ول آنسر یور کوشچن ان دا کامنٹ سیکشن. سو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی ویڈیو, آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے ویڈیو سے اور آپ کے لیے ویڈیو یوزفل رہی ہے تو پلیز ہٹ دا لائک بٹن, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کے نوٹیفیکیشنس کو آن کر لیں تاکہ اس طرح کی جتنی بھی موٹر سائیکل مینٹیننس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں, موٹو ولاگز ہیں, یا میں جب ٹریول کرتا ہوں ٹریول ولاگز بناتا ہوں, تو ان سب کا نوٹیفیکیشنس جو ہے آپ کو ملتا رہے اور ٹائملی آپ میری ویڈیوز چیک کرتے رہیں. سو گائز, آئی ول سی یو ان اندر ایپیسوڈ فرام سی این ایس گیراج. ٹل دین, رائڈ سیف, ویئر اے ہیلمیٹ اینڈ ٹیک کیئر. بائے بائے.